हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 जेई में। डिटरमिनेंट टॉपिक है क्लास 12। लेट ए बी सी डी बी द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस लैम्डा। आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आपको दो दे रखी है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लो, ए बी सी और डी ये किस में है? एपी में। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बी माइनस ए जो है वो लैम्डा के इक्वल है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिफरेंस जो है किसके इक्वल है, कॉमन डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है। सी माइनस बी जो है वो भी लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस सी माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा। तो सी माइनस ए आप करोगे तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा मिला, ठीक है। तो ए माइनस सी की बात करेंगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये रिलेशन हमने निकाला क्योंकि ए माइनस सी की जगह हम यहाँ पर माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू अपने से लैम्डा की स्क्वायर की पूछी है। तो इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस। तो इक्वेशन वन और टू को हमने ऐड करा तो यहां से हमको एक ये रिलेशन मिल रहा है, राइट। सिमिलरली आप यहां देखो, सी माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा होगा और डी माइनस सी भी लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहां से माइनस बी प्लस डी ये ट्वाइस ऑफ लैम्डा के इक्वल मिल रहा है। तो ये माइनस डी प्लस डी की जगह हम ट्वाइस ऑफ लैम्डा रख देंगे और ए माइनस सी की जगह हम माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा रख देंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हमको यहाँ पर करनी है। इसके साथ हम यहाँ पर एक रूल ये लगा देंगे कि सी टू चेंज सी टू माइनस सी थ्री, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम है वो तो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस टू लैम्डा आ गया, ठीक है। यहाँ पर सेकंड में x माइनस वन आ गया और थर्ड ये आ गया आपका x प्लस टू लैम्डा, ठीक है। कॉलम c3 एज इट इज रहेगा, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लैम्डा लैम्डा लैम्डा, क्योंकि c2 में से आप c3 को माइनस कर रहे हो, है ना। इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो b माइनस ए आएगा और b माइनस ए लैम्डा के इक्वल। इसमें से इसको माइनस करोगे तो c माइनस b आएगा, उसका मतलब है लैम्डा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो d माइनस सी आएगा जो कि क्या है, लैम्डा है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, ये टर्म मिल गई। अब ये किसके इक्वल था, टू के इक्वल था, ठीक है। अब यहां पर हम लगाएंगे R2 चेंज R2 माइनस R1 और R3 चेंज R3 माइनस R1, यानी कि फर्स्ट रो को तो आप एज इट इज रहने दो और सेकंड रो में करा है R2 माइनस R1, यानी कि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे हम। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा माइनस वन, ठीक है। और इसमें से आप क्या कॉमन ले लो, लैम्डा कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ तो तीनों में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा कॉलम में, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करा आपने तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा माइनस वन आ जाएगा। यहाँ आपके पास लैम्डा बचेगा, क्योंकि इसमें से आपने इसको घटाया तो वह आएगा b माइनस ए और b माइनस ए क्या होता है, लैम्डा होता है, राइट। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये वाली टर्म है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये वाली अप्लाई करेंगे ना r3 माइनस r1, तो यहाँ पर आपके पास आएगा फोर लैम्डा, ठीक है। और
यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 लेमडा, क्योंकि इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और सी माइनस ए आप यहाँ पे देख लो क्या था, सी माइनस ए था आपका 2 लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेमडा आ जाएगा। ओके, ये 4 लेमडा है, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे, तो 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इंटू ये 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। इससे ये कैंसिल, तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 2, तो लेमडा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमसे पूछा है लेमडा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि लेमडा स्क्वायर जो है आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ के बिलोंग्स टू आर फॉर विच द सिस्टम इज लीनियर, 3x - y + 4z = 3, x + 2y - 3z = -2, 6x + 5y + kz = -3, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो करोगे, एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट यहाँ लिखोगे, 3 - 1 = 4, 1 - 2 - 3, और यहाँ नीचे आ जाएगा 6, 5 और k। ठीक है, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट लेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सो 3 2k - 15 + k + 18 - 28, दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल एक्सपेंड कराए इसको और के की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ रहा है 7k + 35, और यहाँ से आपके पास आ रही है के की वैल्यू -5। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of lambda and mu such that the system of equation x + y + z = 6, 3x + 5y + 5z = 26, x + 2y + λz = μ has no solution. Next question. नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो पहले तो आप ये तीनों इक्वेशन लिख लो, x + y + z = 6 equation 1, 3x + 5y + 5z = 26, x + 2y + λz = μ। ठीक है, तो इक्वेशन वन को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगी 5x + 5y + 5z = 30। ठीक है, ये इक्वेशन 4 होगी, 4 - 3 करूँगा। अब ये इक्वेशन 4 तो एज इट इज आप लिख दो, और इक्वेशन 3 भी आप यहाँ लिखो, इक्वेशन टू को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है आपकी 3x + 5y + 5z = 26। ठीक है ना, आप यहाँ देख लो इसमें क्या है, यहाँ 5y 5z है, तो इस पूरी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 5y 5z हो जाएगा, और इसमें से फिर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन 4 जो आई, इस 4 में से इक्वेशन 2 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी ये दोनों टर्म्स तो कट जाएगी, क्योंकि माइनस साइन से साइन चेंज होगा, इधर आपके पास आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 2 पता लग जाएगी,
तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये चीज करी है। अब ये इक्वेशन वन में डालो आप, बाय इक्वेशन वन, ठीक है। तो इक्वेशन वन क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स थी, तो यहाँ से वाई प्लस जेड फोर आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू हमने टू पुट करके इस साइड भेज दिया, तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया फोर, ठीक। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फाइव। अब आपके पास थर्ड इक्वेशन थी यहां पर, ये वाली, इसमें एक्स की वैल्यू आपकी दो है तो उसको इस साइड भेज दो, ये क्या हो जाएगा, टू वाई प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू माइनस टू, दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर सिक्स में से, ये इक्वेशन नंबर आपकी सिक्स है, इसमें से आप जो है सब्सट्रैक्ट करोगे इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करके, तो टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू एट आ जाएगा, इसको आप करोगे सब्सट्रैक्ट, ये तो कट गया यहाँ से, और यहाँ से आपके पास आया लेमडा माइनस टू जेड इज इक्वल टू म्यू माइनस टेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जेड की वैल्यू आ गई म्यू माइनस टेन अपॉन लेमडा माइनस टू, एंड सिमिलरली वाई की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी फोर माइनस म्यू माइनस टेन अपॉन लेमडा माइनस टू, फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, फॉर नो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेमडा इज इक्वल टू टू होना चाहिए एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू टेन होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई थी, जेड की वैल्यू आ गई थी, और यहाँ पर आप देखो ये इक्वेशन जो है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड माइनस फोर आ जाएगी, फोर माइनस जेड आ जाएगी, ठीक है ना, फोर माइनस जेड आ जाएगी वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे फोर तो ये आ ही गया और माइनस जेड, जेड की वैल्यू ये लिख दी हमने, ठीक है। तो फोर नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, सॉल्यूशन नहीं हो तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जीरो रख देंगे तो इनफाइनेट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी आएगी इसके लिए, और वाई से यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि म्यू भी आपका यहाँ पर टेन नहीं होना चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू टू एंड म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू टेन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन फोर जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से सवाल को करना है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम, इसमें वापस अगेन तीन इक्वेशन दे रखी है, हैज नो सॉल्यूशन, सिमिलर क्वेश्चन है ये, इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके आप सॉल्व करो। एक तरीका ये है कि आप उसका सिंपली डिटरमिनेंट निकालो, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए, तो एक वैल्यू तो आपकी यहां से पता लग जाएगी, राइट। सो यहाँ पर डी की वैल्यू आप निकाल लो, टू थ्री सिक्स वन टू ए थ्री फाइव नाइन, ठीक है, इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आ रही है आपके पास थ्री माइनस ए, अब डी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, टू थ्री सिक्स वन टू ए थ्री फाइव नाइन, जब नो सॉल्यूशन होता है तो डी जीरो होता है, तो डी को आप जीरो करोगे तो थ्री माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू तो यहाँ से थ्री आ गई, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ए की वैल्यू आपकी थ्री आ गई, ठीक है। अब आपको बी की वैल्यू पता करनी, तो दूसरा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो करोगे आप, एक और डिटर्मिनेंट आप ले लोगे, ठीक है, तो अदर डिटर्मिनेंट आप ले रहे हो दूसरा वाला डी वन, उसको कंसिडर कर लो, टू थ्री, ये टू ये थ्री और ये एट ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, फिर वन टू फाइव ले लेंगे और ले लेंगे थ्री फाइव बी,
इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा b माइनस 13। तो d1 यहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। d1, d2 और d3 तो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ठीक है ना, और d यहाँ जीरो के इक्वल होगा। तो कोई भी एक और अदर डिटर्मिनेंट आप ले लो, तो ये हमने लिया, यहाँ पर क्या आएगा, d1 नॉट इक्वल टू जीरो है और d1 की वैल्यू आपकी आ रही है b माइनस 13 नॉट इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 13। तो यहाँ पर आपको हमेशा ये देखना है कि आप ये वाला डिटर्मिनेंट निकाल लो और d इक्वल टू जीरो कर दो, अदर कंडीशन तो जो आएगी वो नॉट इक्वल टू वाली ही आएगी। तो आप ए पे डायरेक्टली टिक लगा सकते हो ऑप्शन वन पर, ठीक है, ऑप्शन वन पर आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आएगी। एक आएगी इक्वल टू, जैसे यहाँ ए इज इक्वल टू 3 आ गई इससे, d इज इक्वल टू 0 से, तो दूसरी नॉट इक्वल टू करके साइन ही लगेगा। तो आप यहाँ देख लो, यहाँ और यहाँ वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन आपका नॉट इक्वल टू वाला ले लिया आपने, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 2021 के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कोरोना में जो एग्जाम हुआ था 4 times, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी आगे वीडियो आने वाले हैं जिनमें और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।